अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अकेली शेमिना के किचन में आपका वेलकम है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैंने यहाँ लिया है मशीन का कीमा, सिंगल मशीन का कीमा लिया है, जो हम रस्से में लेके चलते ट्रैवलिंग कर रहे हैं बहुत दूर की, जैसा दिल्ली का कर रहे हैं हम कहीं दूर का ट्रैवलिंग करते खाना लेके चलते हैं। तो मैंने ये लिया है मशीन का कीमा, जो हमारे अगले दिन तक के ख़राब नहीं होगा क्योंकि ये पकता है बिना पानी का। यहाँ ले ली है 6 मीडियम प्याज ले ली थी मैंने, यहाँ थोड़ी कोथमीर है, 10 से 15 हरी मिर्चें हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। 1 टीस्पून हमारे नमक है, से थोड़ा सादी लिया है, 1 टीस्पून हमारा नमक है, 4 हमारी दालचीनी के टुकड़े हैं, यहाँ गरम मसाले में ले लिया है, 7 से 8 लौंग है, 10 से 12 काली मिर्च है और 4 हरी इलायची है। तो चलिए पकाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है, कुकर रख दिया है, यहाँ मैं तेल डाल रही हूँ। सारे गरम मसाले डाल दिए हैं, 1 टीस्पून जीरा भी लिया है, यहाँ प्याज डाल रही हूँ। यहाँ प्याज को ब्राउन नहीं करना है, ये ऐसे पिंकी पिंकी रखना था, इसी में मैं अभी अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लूँगी। अच्छे से मिक्स करना है, यही मैं मिर्चें भी डाल रही हूँ चॉप कर। कीमा मैंने वॉश कर लिया है, इसे डाल दूंगी कुकर में। कीमे को अच्छी तरह से चला लिया है मैंने, इसी में अभी नमक डाल दूंगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। यहाँ मैंने नमक डाल के अच्छे से चला लिया है, इसे कवर कर दूंगी, एक सीटी ले लूंगी स्लो आंच पर। हमारा तैयार हो गया है, मैंने डिश आउट कर लिया है कीमा, ये देखिए कीमे को मैंने डिश आउट कर लिया है, एकदम चटपटा और एकदम इजी और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी हमारी ये। तो चलिए, अगर आपको मेरा ये कीमा पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।